भाइयों और बहनों, शहरी मिडिल क्लास हो या फिर शहरी गरीब, ईज ऑफ लिविंग ये मोदी की प्राथमिकता है। जो झुग्गियों में रहता है उसको भी आज पक्के घर का भरोसा मिला है। सबके घर का सपना पूरा हो इसके लिए मोदी सरकार हजारों करोड़ की मदद दे रही है। आज महाराष्ट्र के 45,000 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा कानून के दायरे में आए हैं। मतलब इन्वेस्टर के लिए विश्वास का पक्का व्यवस्था मिली है। अकेले महाराष्ट्र में ही है 17,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स की शिकायतों का निवारण हुआ है। साथियों, क्वालिटी हेल्थ केयर और सस्ता हेल्थ केयर यह हमारा फोकस है। और अब तो मोदी ने तय किया है, आप जो बेटे बेटी कमाते हैं ना, आज हर घर में बुजुर्ग होते ही हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, और 70 साल के बाद छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी तो होती ही होती है। अब जो बेटा है बेटी मेहनत करके कमाते हैं उनके सामने चिंता रहती है, वो मां बाप को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ अगर बीमारी आ गई तो चिंता रहती है कि रोजमर्रा का जिंदगी कैसे गुजारेंगे और बच्चों की आशा अपेक्षाओं का क्या। हर कमाने वाले बेटे बेटी को चिंता रहती है। मोदी ने तय किया है कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर है, अब उनके बीमारी में उनके इलाज की चिंता उनके बेटी बेटी पर नहीं रहेगी, ये जिम्मा मोदी संभालेगा। हम जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस कराने में आपको कितनी दिक्कत आती थी, वो भी अब भूल जाइए। अब मोदी आपके बुजुर्ग माता पिता का अस्पताल में इलाज कराएगा और वो भी मुफ्त। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले तक सामान्य गरीब और मिडिल क्लास के लिए बैंक लोन सपना होता था, आज बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। पहले फुटपाथ पर रेड़ी पर काम करने वालों को बैंक के दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं थी। जिनको कोई नहीं पूछता था मोदी उनको पूछता है। और मैं हमारे शिंदे जी वगैरह का आभार व्यक्त करता हूं कि एक आध साल पहले मुझे यहां बुलाया था और करीब 1,00,000 रेहड़ी पट्टी वाले भाई बहन इकट्ठे हुए थे और उनको हजारों करोड़ रुपया बैंक से लोन मिला था। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, वरना पहले क्या था, रेहड़ी पट्टी वालों को साहूकार के प्यास से बहुत महंगे ब्याज में पैसे लेते थे और कारोबार में से ज्यादा पैसा ब्याज में चला जाता था। आज उनको बैंक से लोन मिलता है और गारंटी कौन देता है, गारंटी मोदी देता है, बिना गारंटी पैसे मिलता है। और ये मेरे रेड़ी पटरी वाले भाई बहन पाई पाई समय पर चुकता करते हैं, बैंकों पर कोई बोझ नहीं होने देते हैं।